मैंने कहा देखो एक नसीहत करता हूँ, 313 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ने की आदत डाल दी जिंदगी, 313, क्योंकि 313 का आदत ये बदरीन का है। 313 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ोगे तो 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। 31 बंगले तैयार होंगे और कोई इनकम टैक्स वाला आपको फोन नहीं करेगा। दुनिया में दो बंगले आप ले लो तो इनकम टैक्स वाले फोन करते हैं, 31 बंगले आपके जन्नत में तैयार हो जाएंगे। तो मैंने कहा था दुनिया में प्रॉपर्टी बहुत बनेगी, जन्नत में प्रॉपर्टी बनो। और मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जो अल्लाह जन्नत के अंदर बंगला देने पर तैयार है बेटा जन्नत में बंगले बनाएगा वो अल्लाह मुंबई में बंगला उतार देगा, एक तो यहाँ दे देगा, एक तो लाहौर में दे देगा, एक तो मक्का में दे देगा, जब वहां देगा तो यहाँ देने में कदर नहीं है। और कहते थे कि अपने तो बंगला बनाने की खुदा ना खास्ता हशर के मैदान में कुछ हुआ अल्लाह हिफाजत करे तो अल्लाह को इतना कह सकते अल्लाह पाक मेरी प्रॉपर्टी तो आए जन्नत में, जन्नत में अल्लाह कहेंगे जन्नत प्रॉपर्टी। और जितनी सूरह इख़लास की फजीलतें हैं उसकी किस उतनी किसी सूरह की फजीलत है। पर किस्सा सुनाता हूँ मुख्तसर, मुआविया इब्ने मुआविया लैसी अंसारी थे, तबूक के मौके पर बीमार थे तो तबूक नहीं जा सकते, उनका इंतकाल हुआ मदीना, तो हज़रत जिब्रील तबूक पहुंचे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हज़रत मुआविया इब्ने मुआविया लैसी अंसारी का इंतकाल हो गया और अब क्या करें, उनके लाश यहाँ लाएं या वहाँ दफन करें जनाजा पड़े। आपने फरमाया नहीं नहीं उनकी लाश यहाँ लाओ। 70,000 फरिश्ते उनका जनाजा लेकर तबूक पहुंचे और फौत हो रहे हैं मदीना, अल्लाह हम मदीना ही बैठे और 70,000 फरिश्ते उनका जनाजा लेकर तबूक पहुंचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जनाजे की नमाज पढ़ाई। फिर जिब्रील अलैहि सलाम ने कहा कि हज़रत यहाँ दफन करें या बकरी में ले जाए। आपने फरमाया नहीं बकरी में ले जाओ, लेकिन एक बात का जवाब दो जिब्रील, ये इकराम इतना क्यों हुआ? आदमी मरता है तो खबर जाता है, इनका इतना इकराम एहसास, फरिश्ते आए तुम भी आए लाए ले जा रहे हो बकरी में दफन कर रहे हो। तो आज जिब्रील ने आहिस्ता से कहा कि ये सूरह इख़लास बहुत पढ़ता था, इसलिए आप भी अपने शागिर्दों को सूरह इख़लास में लगाओ। सही हदीसों में आता है कि 10 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ो जन्नत में बंगला तैयार हो जाता है। ये सही हदीस है। हज़रत उमर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उमर 10 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ जन्नत में बंगला तैयार हो जाएगा। हज़रत उमर ने कहा मैं तो बहुत बंगले तैयार करूँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तुझे जितने बंगले बनाने हो बना, तू बनाते बनाते थक जाएगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। ये मैंने बयान किया तो अमेरिका में एक डॉक्टर नहीं है हमारी शिकागो, उसका मुझे फोन आया, उसने कहा कि हजरत जब से मैंने आपका सुना 10,00,000 मरतबा मैंने सूरह इख़लास पढ़ा है और 5,00,000 मरतबा आपको हदिया दे दिया, मैंने 5,00,000 मरतबा मेरे लिए रख लिया। लेकिन हजरत अबू जी मुझे कहती है, अबू जी एक सवाल करना चाहती हूँ लेकिन शर्म आती है। नहीं बेटा पूछो, क्या पूछती हूँ? मैंने कहा अबू जी बहुत बंगले हो गए तो वहां कोई भाड़ा भाड़ा आएगा कि नहीं आएगा? भाड़ा किराया गुजराती और पंजाबी उनको किराए की बहुत जरूरत रहती है, गुजराती और पंजाबी उनको भी किराए कोई किराया आएगा कि नहीं आएगा? देख मैंने कहा भाड़ा मुझे भाड़ा भाड़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो मुझे भी हंसी आई, मैंने कहा बेटा देख वहाँ भाड़ा भाड़ा तो नहीं आएगा, तो इतने बंगले क्या करेंगे वहाँ? मेरे बेटा जब जन्नत में जाएंगे वहां जाकर इंशाल्लाह मशवरा कर लें। मिलेगा जरूर, ये यकीनी। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बेटा चलते फिरते भी रात को नींद नहीं आवे जैसे रात का करवट लेता है तो 4 बंगले बना लेने के जन्नत में 10 मरतबा पढ़ लो। और एक बात और कहता हूँ, बेहिसाब मरतबा सूरह इख़लास पढ़ो, बेहिसाब अल्लाह की रहमतों की चादरें आप पर आएगी इंशाअल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी ने पूछा तुझे सूरह इख़लास से मोहब्बत है? मुझे बहुत मोहब्बत है। जा अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, जा। क्या बचा? नसब नामा है अल्लाह। जब सूरह इख़लास नाजिल हुई 70,000 फरिश्ते लेकर आ रहे थे, फरिश्तों ने कभी क्या है कि अल्लाह का नसब नामा लेके जा रहे हैं अल्लाह। मुशरिकीन मक्का ने कहा था हमसे बोला ना रब तुम्हारे रब का क्या है, यानी नसब नामा ये आता है।
अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो लड़कियों की शादियां नहीं होती थी शादियां हो गई, लड़कियों का जो है रिश्ते नहीं होते थे रिश्ते हो गए, सब काम अल्लाह ने किया। हमारे बम्बई में एक जगह है हमारी, ये नवा बस्सी, ये जानते हैं, मेरा वहाँ बयान होता था, एक लड़की आई, एक अबू जी मेरा 28 साल की उम्र हो गई, मेरा कहीं निकाह ही नहीं होता, अबू जी 28 साल की उम्र हो गई कहीं मेरा निकाह ही नहीं होता। मैंने कहा बेटा एक वजीफा बताओ। मैंने कहा देख मेरा ये वजीफे का नाम है जानदार शानदार मालदार दीनदार, तू सूरह अखलाक बहुत पढ़ती रहे और रिस्क मांगती रहे। शुरू किया मेरे हाथ में तस्वीर थी, जो मैंने आपको तस्वीर दी ना जना, ये तस्वीर थी मेरे हाथ में, पढ़ रहा था मैं, तो मैंने उसको कहा बेटा बेटा यहाँ बेटा बेटा यहाँ, मेरी तस्वीर दे दी मैंने उसको जी, वो तस्वीर लेकर चली गई। एक साल के बाद मैं वहां मस्जिद में गया तो वही लड़की लड़का बच्चा लेकर खड़ी थी, तो बेटा क्या हुआ? मैं कहा जब बयान करके आ जाओ फिर सुनाती हूँ। बयान करके लौटा, मैंने कहा अबू जी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इखलास की बरकत से अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा शौहर दिया और अल्लाह ताला ने बहुत माल दिया। मैंने कहा देख अल्लाह ने बहुत माल दिया है तो स्टॉक मत करना, तो स्टॉक करेगी तो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक करेगी तो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉक मत करना खर्च करती रहना। कब मुझे खुशखबरी और सुनाऊं? मैंने कहा सुनाऊं कि कई लड़कियां ने मेरे पास आई, उसका नाम हलीमा था। अरे हलीमा तू तो इतनी स्मार्ट नहीं है, तेरी शादी कैसे होगी? तो मैं कहती थी सूरह इखलास और अबू जी की तस्वीर, जानदार शानदार मालदार देंदा, ये तस्वीर। अच्छा मैंने कई लड़कियों को पढ़वाया, सबकी शादियां हो गई है, हर काम के लिए बहुत मुजर्रब है, फायदा ही फायदा। ये मैंने मुखन्नस हजरत से कहा तो मुखन्नस हजरत खुश हो गए, हरम शरीफ में मिले थे, यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए, वो खुश हो गए, अरे हमें ये बात तो किसी ने बताई नहीं। मैंने कहा तो जरूर करो, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, तबलीग में जाओ, विधान चिल्ला लगाओ, तीन चिल्ला लगाओ, साल लगाओ, छह महीना लगाओ, लेकिन अल्लाह के लिए करो, गरज दुनिया के लिए, गरज हो गई तो अल्लाह फेंक दे, अल्लाह के लिए करोगे तो अल्लाह हाथ में ले ले। इसलिए मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ उठते बैठते जितना हो सके सूरह इखलास जितना हो सके आपसे पढ़ते रहें, पढ़वाते रहें, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह। अब